नमस्कार दोस्तों, 25 अक्टूबर के मेटल और पाइप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के दिन में 25 अक्टूबर के मेटल अपडेट में। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हैं आज के दिन में जो सोना रहा, सुबह के अपडेट में सोना देखने को मिला है 47,944 पे, और इसमें 145 रुपये का पर 10 ग्राम में तेजी देखने को मिला। वहीं बात कर लेकर चांदी पर केजी रहा 66,120 पे, और इसमें 500 रुपये तक तेजी देखने को मिल रहा है। क्रूड का बात कर ले तो यहाँ पे 6,357 पे बना हुआ है, 78 रुपये का इसमें भी तेजी है। एल्युमिनियम 234 पे रहा, 3 रुपये का तेजी इसमें भी देखने को मिल रहा है। कॉपर का बात कर ले तो 764 पे बना हुआ है, 3 रुपये का तेजी है। निकेल रहा 1,565 पे, और इसमें भी 14 रुपये का तेजी देखने को मिल रहा है। वहीं बात करेगा आज के दिन में लेड, तो लेड रहा 186 पे, 1 रुपये का तेजी इसमें भी है। जिंक रहा 288 पे, 5 रुपये का इसमें तेजी देखने को मिला है। वहीं बात कर ले आज के दिन अगर डॉलर वर्सेस आरएस, जी हाँ, तो आज के भारतीय मुद्रा डॉलर के मुकाबले आज 75 रुपये पे बना हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं आज के दिन में पाइप का अपडेट। जी हाँ दोस्तों, तो ये पाइप का अपडेट है। जैसा कि देख सकते हैं तो रायपुर पाइप पतरा बेस्ट जो रहा 55,000 रुपये पे, और 500 रुपये तक इसमें पर टन में गिरावट देखने को मिल रहा है। रायपुर कामधेनु पाइप रहा 55,400 पे, और इसमें भी 500 रुपये तक पर टन में गिरावट देखने को मिल रहा है। रायगढ़ पाइप 55,500 पे समान रेट पे बना हुआ है। राहुल केला पाइप बात कर ले तो 54,500 पे बना हुआ है। मंडी ईआरडब्ल्यू पाइप जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे 53,900 पे। मंडी पाइप बात कर ले तो यहाँ 55,600 पे और 400 रुपये तक इसमें गिरावट है। मंडी मील पाइप जो रहा 57,500 पे, और इसमें 500 रुपये तक गिरावट देखने को मिल रहा है। मंडी जी पाइप 56,600 पे, और इसमें भी 400 रुपये तक पटन में गिरावट देखने को मिल रहा है। मंडी एमएस पाइप का बात कर ले तो 57,500 पे बना हुआ है, इसमें भी 500 रुपये तक गिरावट आया हुआ है। दुर्गापुर ईआरडब्ल्यू पाइप में इसमें 200 रुपये तक पटन में तेजी है, और 55,100 भाव बना हुआ है। वहीं बात कर लेगा मुंबई ईआरडब्ल्यू पाइप, तो यहाँ पे 55,000 रुपये पे बना हुआ है, और ये 500 रुपये तेजी यहाँ भी देखने को मिल रहा है पर टन में। वहीं बात कर ले सबसे अंतिम में पाइप में नागपुर एमएस पाइप, तो यहाँ पे 58,200 पे बना हुआ है, और ये भी समान रेट पे है आज के दिन में देखने को मिल रहा है। ये दोस्तों पाइप का जो अपडेट है, यह 23 अक्टूबर का शाम का अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि संडे होने के कारण ताज़ा अपडेट नहीं आ पाया। तो आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं आज के दिन में जो एंगल चैनल जो है स्ट्रक्चर मटेरियल, उसमें क्या कुछ तेजी देखने को मिल रहा है या फिर गिरावट। तो नागपुर जो मटेरियल है, फैब्रिकेशन मटेरियल, स्ट्रक्चर मटेरियल, एंगल चैनल, बीम, राउंड बार, स्क्वायर बार, इन सभी में समान रेट देखने को मिल रहा है। ये लगभग 52,000 से 55,000 के बीच बना हुआ रेट। वहीं बात कर ले रायपुर के बाद अगर यहाँ पे मुंबई का बात करें, तो मुंबई भी वहाँ पे समान रेट पे बना हुआ है। वहीं बात कर ले मुंबई भी समान रेट बनने के बाद मंडी में, मंडी का जो है स्ट्रक्चर मटेरियल, उसमें 400 रुपये तक पर टन में गिरावट आया हुआ है। चाहे वो एंगल हो, चैनल हो, हेवी एंगल हो, और या फिर राउंड बार, स्क्वायर बार, इन सबों में 400 रुपये तक पर टन में गिरावट देखने को मिल रहा है। यह 23 अक्टूबर का शाम का अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, वहीं बात कर ले अगर दुर्गापुर मटेरियल में, तो दुर्गापुर फैब्रिकेशन मटेरियल, एंगल चैनल, बीम में, इन सबों में 500 रुपये तक पर टन में गिरावट देखने को मिल रहा है। वहीं बात कर ले अहमदाबाद में, तो अहमदाबाद में 200 रुपये तक पर टन में गिरावट देखने को मिल रहा है। यह अपडेट 23 अक्टूबर का शाम का अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि संडे होने के कारण 24 अक्टूबर को अपडेट नहीं आया, और जो ताज़ा अपडेट है बता दें दोस्तों, तो जैसा कि देख सकते हैं अहमदाबाद का, इसमें भी 200 रुपये तक पर टन में गिरावट देखने को मिल रहा है। अहमदाबाद मटेरियल, फैब्रिकेशन मटेरियल में, वो चाहे एंगल हो, चैनल, बीम हो, इन सबों में गिरावट देखने को मिल रहा है। दोस्तों जैसे ही आज का नया ताज़ा अपडेट आता है एंगल चैनल बीम का, या फिर बिलेट का, या फिर इंगोट का, आपको नया वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल बाबा फैब्रिकेटर्स की ओर से। तो वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।